जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट गुम है किसी के प्यार में, जोरी कपल बन चुके हैं। और आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों को पता ही था, उन सेट पे आग लग गया था कुछ दिन पहले, कि सब एक्टर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बचाओ, बहुत लोगों का सामान भी जल गए, पर कोई हताहत नहीं हुआ, किसी इंसान के नुकसान नहीं हुआ। सेट पे बुरी तरह सेट जल गए थे और एक दूसरे को बस हेल्प मदद करने के नाम पे थे, और काफ़ी सारे परेशानी झेलना पड़ा सब एक्टर को, रो रहे थे, बिखर रहे थे, ऐसा मंजर था कि मत पूछिए। तीन सेट पे आग लगा था, पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ गुम है किसी के प्यार के सेट पे। ये जोरी काम करते करते क्या प्यार में बदल गए, नील भट्टाचार्य किसी को नहीं पता है, पर जोरी कमाल की है, काफ़ी सालों से चल रहे है वही कहानी किसी पीटी, बट लोगों को पसंद आ रहे है जोरी को, और शो को भी स्टार प्लस पे चल रहे है, आप लोगों को गुदगुदा रहे हैं। पर सेट पर जो फायर लगा था ना भाई, वो मंजर थे। अब दूसरी तरफ देखे सुमित भाई, राधे कृष्ण के फेम, कृष्ण जी हर घर की एक शान बन चुके, इनकी आंखें देखो, आंखें पर तो लड़कियां मोहित हो जाती है, इतनी खूबसूरत है मधुर। और आपने उसे राधे कृष्ण में बहुत प्यार दिया कृष्ण के रूप में, उनका विचार भी अच्छा है एंड नेचर तो पता ही अच्छा है, इसके साथ एक मॉडल भी चल रहे हैं वो भी अलग बात है, लेकिन सुमित जी आप ऐसा ही करेक्टर करो, लोगों को दिल पे छाओ, राज करो। मैं सुना हूँ आपका नया प्रोजेक्ट आने वाला है बहुत जल्दी, आप एक धमाल करने वाले हो और जेंट्स फैंस को देने वाले हो, क्या देने वाले हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताते, पर अभी फ़िलहाल वो आए हैं अवार्ड शो में, इनको बेस्ट एक्टर की अवार्ड मिल रहा है, तो बहुत हैप्पी है, खुशी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बहुत सारे बातें, दिल की बातें शेयर की, उन्होंने राधे कृष्ण की बात किया, उन्होंने किस तरह उनका शूट हुआ करते थे, दिन रात मेहनत किया करता था राधे कृष्ण शो, जिस तरह के आप देख रहे हो शो, अवार्ड शो में काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, एक्टर, मॉडल, एवरीथिंग, पर जो सबके नज़र, सबके निगाहें जो अटक गए थे सुमित के ऊपर, जो राधे कृष्ण और गुमे किसी के प्यार में, क्योंकि दोनों के ही अभी हॉट चल रहा है, सेट पर आग लगा था गुमे किसी के प्यार में, राधे कृष्ण के हर घर घर की